हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल टेक फाइंस पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सबॉक्स वन एक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सबॉक्स वन एक्स PS4 प्रो या फिर उस रेट के कोई भी गेमिंग कंसोल से अच्छा है या फिर बुरा है, क्या आपको उस चीज़ को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उसमें नए नए फीचर्स कौन से हैं, उसके हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और बहुत कुछ बात करने वाले हैं एक्सबॉक्स वन एक्स के बारे में। तो मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हैं टेक माइंस, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ये और इससे बहुत अच्छी वीडियोस इन फ्यूचर में देख पाएं। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसके सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ के बारे में। तो जो एक्सबॉक्स टीम है उसने ये बताया है कि जो एक्सबॉक्स वन एक्स है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल कंसोल है। और उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि 4K HDR गेमिंग के मामले में ये जो मार्केट में अवेलेबल है किसी भी कंसोल से 40% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ये वो दावा करते हैं। तो फिलहाल तो ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली, पर अभी इंडिया में नहीं आ पाया है कुछ रीजंस के कारण, वो थोड़ा बहुत लेट आ सकता है इंडिया में। तो जब इंडिया में आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे खरीदूँ और आपको बताऊँ कि ये PS4 प्रो से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कि नहीं करता है। तो जो PS4 प्रो में हुआ करता था 8 कोर वाला प्रोसेसर, वो सेम प्रोसेसर इसमें भी यूज़ हुआ है। बस इतना है कि उसका हर एक कोर क्लॉक था 2.1 GHz पे, इस पे क्लॉक है 2.3 GHz पे। एक्सबॉक्स वन एक्स में जो उसका प्रोसेसर 8 कोर वाला प्रोसेसर, उसका हर एक कोर 2.3 GHz पे क्लॉक है, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा है PS4 प्रो से। तो आप कह सकते हो कि इससे 5 से 10% की इंक्रीज होगी, मतलब ये इतने 5 से 10% भी ज़्यादा बोल गया मैं, 2 से 3% के बस इंक्रीज होने वाली है। किसके मामले में? प्रोसेसिंग के मामले में। तो जो मेजर डिफरेंस आता है एक्सबॉक्स वन एक्स और PS4 प्रो पे, तो वो आता है इसकी ग्राफिक मेमोरी। तो जो एक्सबॉक्स वन एक्स में जो ग्राफिक मेमोरी यूज हुई है वो है 12 GB की GDDR5 वाली, बल्कि जो PS4 प्रो है उसमें सिर्फ 8 GB DDR5 वाली मेमोरी यूज़ हुई है। दोनों में जो ग्राफिक GPU है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों में सेम यूज़ हुई है। इसमें भी यूज़ हुई है A6 की टेराफ्लॉप GPU, उसमें भी यूज़ हुआ है A6 का टेराफ्लॉप GPU। दोनों ही GPU ट्रू 4K HDR वीडियो रेंडरिंग को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कह नहीं सकते कि ये उसमें थोड़ा आगे होगा या फिर पीछे होगा, पर ये कह सकते हैं कि फ्रेम्स रेट आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं आपको, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं फिर भी, जैसे कि आपको 60 फ्रेम रेट मिलते हैं होंगे अगर PS4 प्रो में, तो इसमें आपको 80-90 फ्रेम रेट मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अब ये वेरी करेगा कि इसका प्राइस इंडिया में क्या होता है। अगर इसका प्राइस इंडिया में अराउंड 40,000 तक होता है तो ये PS4 प्रो से बहुत अच्छा होने वाला है, पर अगर इसका प्राइस 50 से ऊपर या फिर 50 के आसपास, 45 से 50 के ऊपर होता है तो फिर नहीं कह सकते कि लोग इसे ख़रीदें। और अगर हम कंपेयर करते हैं कि अगर इसका हुआ 45,000 भी, और अगर आपको इस ये नहीं लेना है, आपको एक कोई गेमिंग PC बिल्ड करना है उतने पैसे में, तो अगर आप अपन सारी चीज़ ले लें ग्राफिक कार्ड को छोड़ के, तो सारी चीज़ आएंगी आपके लगभग 25,000 रुपये की। तो आपके पास बचेंगे आराम से 15 से 20,000 रुपये ग्राफिक कार्ड के लिए, और 15 से 20,000 रुपये में मेरे हिसाब से तो आपको 12 GB GDDR5 वाला की मेमोरी वाला कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं मिलने वाला है। तो इसकी परफॉर्मेंस तो खैर बहुत अच्छी होने वाली है, अब इसकी सर्विस के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। तो ये आता है स्कॉर्पियो इंजन के साथ, जिसमें आपको मिल जाएगी 326 GB पर सेकेंड वाली मेमोरी बैंडविड्थ। ये कहता है कि इसकी कूलिंग और किसी भी कंसोल से बहुत अच्छी रहने वाली है। इसमें आपको मिल जाएगी 8 GB की फ्लैश मेमोरी जो रैम का वर्क करेगी। आपको इसमें मिल जाएगी 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव जो इंटरनल स्टोरेज का वर्क करेगी। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको मिलने वाली है 12 GB की GDDR5 वाली
ग्राफिक मेमोरी जो कि रहेगी 326 GB पर सेकंड वाले बैंडविड्थ के साथ। इसमें आप 4K अल्ट्रा HD की ब्लू रे डिस्क लगा सकते हैं। इसमें आपको HDMI पोर्ट मिलता है और ये HDR10 को सपोर्ट करती है। आप इसमें 60 हर्ट्ज़ वाला मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं जो AMD FreeSync को सपोर्ट करेगा। और ऑडियो कंपोनेंट्स कहें तो इसमें DTS 5.1 आता है, डॉबली का डिजिटल 5.1 ऑटम्स के साथ भी आता है ये। आप इसमें PCM क्वालिटी वाला वॉइस भी यूज़ कर सकते हो जो कि 2.0 भी सपोर्ट करता है, 5.1 भी सपोर्ट करता है और 7.1 भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा जिससे आप अपने वायरलेस कंट्रोलर्स को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। IR ब्लास्टर आपको मिल जाएगा। कनेक्टिविटी में इसमें आपको मिल सकता है पावर पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट, 3.0 USB पोर्ट, एक IR ब्लास्टर का आउटपुट, एक आपको मिल सकता है SPIDF स्लॉट और एक एथरनेट पोर्ट आपको मिल जाएगा इसमें। ये सब चीज़ें कॉमन है इसकी जो कि आपको PS4 Pro में मिल जाएंगी। और रही बात इसकी डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है इसका, बहुत क्लासी डिज़ाइन रहेगा इसका। और कई लोग कहते हैं कि जो इसका कंट्रोलर आता है एक्सबॉक्स की कोई भी आप सीरीज उठा लो तो वो उतना ज़्यादा हैंड के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वैसी बात है नहीं। अगर आप खेलेंगे, अगर आप PS4 Pro खेल रहे हैं 2-3 महीने से और आप अचानक से इसमें अपग्रेड करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, पर अगर आप एक आध महीने इसमें खेलेंगे तो ऐसे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप आपकी दिक्कत कम होती जाएगी। तो अब हम आते हैं कंक्लूसन पे कि क्या ये PS4 Pro से अच्छा है। तो वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर इसका प्राइस 40,000 के आसपास रहता है तो ऑब्वियसली ये PS4 Pro से अच्छा है। अगर 40, 45, 50 तक के रहता है तो आप PS4 Pro भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बुरा नहीं है। अब गेमिंग कंपेक्टिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो Xbox One में जितने भी गेम चलते थे वो सारे गेम इसमें चलेंगे। अगर आपके पास उनकी CD होगी तो वो CD इसमें वर्क करेंगी, पर आपको एक बहुत लंबा चौड़ा अपडेट करना पड़ेगा जो कि बहुत अजीब सी बात है। अगर आप कोई Xbox One की कोई CD खरीदते हो उसके बाद आपको 10-12 GB का अपडेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है उसमें। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और वैसे तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत अच्छा कह रहे हैं, मैंने चला के देखा नहीं हूँ। जब भी मेरे पास आएगा तो मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा कि किस टाइप का इसका यूज़र इंटरफेस। अब करते हैं इसकी प्राइस की बात। तो जो US में इसका प्राइस है वो है $500 में, आपको वहाँ पे कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा $500 पे। पर अगर आप इसको इम्पोर्ट करवाते हैं इंडिया में तो आपको $650 to $700 लग जाएगा। अगर आपके कोई रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं और वो आ सकते हैं यहाँ पे, तो आप उनसे मंगवा सकते हैं, पर आपको वारंटी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक ये इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो जाता तब तक आप मत खरीदिए इसे, आपको दिक्कत जाएगी बहुत। अगर कुछ भी होता है इसमें, कोई भी मतलब टेक्निकल इशू आता है, तो आप इसकी वारंटी भी नहीं ले सकते, मतलब आपके 40-50,000 रुपये डूब जाएंगे। इसलिए जब तक इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं होता तब तक आप इसे मत खरीदिए। और आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, आपको एक्सबॉक्स एक्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप दिख रहे थे टेकवाइंस और मैं था मयूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करना, और पसंद नहीं आई होगी तो डिसलाइक भी कर देना। और कमेंट में ये बताना कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई इस वीडियो में। और मुझे मतलब सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम मिल रहे हैं, मतलब और ना व्यूस आ रहे हैं। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, या फिर जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर गलत चीज़ें बता रहा हूँ? अगर आपको ऐसा कुछ लगता होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।